टू लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू तो वर्क एनर्जी पावर सीरीज का ये बाईसवा लेक्चर है तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले पावर ठीक है सबसे तो पहले पावर को मैं डिफाइन करता हूं तो पावर क्या है पावर ऑफ ए फोर्स एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स एफ है ना तो इसको बोलते पावर तो पावर ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू वे रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स एफ ठीक है ना तो फोर्स एफ का वर्क को यहाँ पे लिखना है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पे जितना वर्क करेगा फोर्स एफ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल उसको बोलते हैं पावर ऑफ फोर्स एफ़ ठीक है एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही सिंपल है ना अब आपको पता है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन बाय फोर्स एफ हो जाएगा एफ डॉट डी एस ठीक है अब डी टी तो स्केलर है कहीं भी रखो उसको तो मैं डी एस के साथ अब डी एस क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेस हुआ है ना ठीक है जिस पॉइंट पे फोर्स एफ लग रहा है ना वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है उसको डी एस बोलते हैं ना वो मॉलिक्यूल जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो मॉलिक्यूल कितना डिस्प्लेस हुआ बेसिकली वो और डी एस पाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी ठीक है तो ये है वेलोसिटी क्योंकि डी एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑल राइट तो आपका पावर का एक्सप्रेशन हो जाएगा पावर का एक्सप्रेशन हो जाएगा एफ डॉट वी ठीक है तो पावर ऑफ ए फोर्स एफ हो जाएगा एफ डॉट वी ओके अफकोर्स ये पावर मतलब इंस्टेंटेनियस पावर है जस्ट लाइक like जब वेलोसिटी बोलते हो डीपेरिटी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना एवरेज पावर निकालने के लिए इसी लॉजिक से आपको पता है एवरेज पावर निकालना होगा तो डी डब्ल्यू बाई डी, डी टी को डब्ल्यू बाय टी कर दो है ना वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन है ना या डेल्टा डब्ल्यू ही बोल सकते हो वर्क डन को आपको बोलना है तो तो डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिडेड बाई डेल्टा टी ठीक है तो एवरेज पावर ऑफ़ फोर्स एफ इतना हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ए फोर्स एफ डॉट वी हो जाएगा ठीक है अब इसको अप्लाई करते हैं देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है इसको अप्लाई करते हैं तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है ठीक है उसके ऊपर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो ठीक है और भी फोर्सेस लग रहे होंगे मान लो इस पॉइंट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट का जो मास है ये 2 के का है ठीक है और ये सरफेस जो है स्मूथ मान लेते हैं अभी के लिए है ना ओके तो आपको बोला जाएगा इस फोर्स का पावर बताओ ठीक है दस न्यूटन का तो दस न्यूटन जिस पॉइंट पे लग रहा है आपको उस पॉइंट का वेलोसिटी पता करना पड़ेगा ठीक है और वेलोसिटी ऑफ कोर्स चेंज होता रहेगा टाइम के साथ तो मान लेते ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू ज़ीरो और आपसे पूछा गया है पावर देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा रहेगा डिलीवर्ड बाय टेन न्यूटन फोर्स एट टाइम टी टाइम टी पे टेन न्यूटन फोर्स जो पावर डिलीवर कर रहा होगा उसका वैल्यू क्या होगा बेसिकली टेन न्यूटन फोर्स का पावर का वैल्यू एट टाइम टी क्या होगा ठीक है तो टाइम टी टी इक्वल टू जीरो तो ये है तो किसी भी जनरल टाइम टी पे मान लेते हैं ब्लॉक जो है यहाँ पहुँचा हुआ है है ना और इसका वेलोसिटी वी है ये टाइम टी की बात हो रही है तो टाइम टी पे ब्लॉक का वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे क्योंकि एक्सेसन कॉन्स्टेंट रहेगा वी इज इक्ल टू यू प्लस एटी यूज़ कर लेंगे ठीक है ना तो एक्सेशन यहाँ पे कितना होगा ब्लॉक का टेन माइनस फाइव नेट फोर्स हो गया फाइव डिवाइड बाई टू तो एक्सेशन है टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि एक्सेशन कॉन्स्टेंट है हम लोग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ए इंटू टी टू पॉइंट फाइव इंटू टी ठीक है यहाँ से यहाँ के बीच में कितना टाइम बीता है टी सेकेंड्स बीते हैं ना ये टी इको लू जरूरत है टी इको टू टी के बीच में टी सेकेंड्स बीते हैं ना तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा मतलब टाइम टी पे वेलोसिटी हो जाएगा टू पॉइंट फाइव टी ठीक है तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का वेलोसिटी वी है और फोर्स कितना लग रहा है उस पॉइंट पर दस न्यूटन का अगर मुझे दस न्यूटन का पावर निकालना है तो बेसिकली एफ़ का मैग्नीट्यूड ठीक है मतलब बेसिकली क्या करना होगा एफ़ बी कॉस थीटा है ना एफ डॉट भी करना है ना तो दस न्यूटन का फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है टू पॉइंट फाइव डी और दस न्यूटन और वेलोसिटी इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ है और दस न्यूटन भी इस तरफ है तो एंगल है कॉस ज़ीरो तो ये ट्वेंटी फाइव डी हो जाएगा ठीक है मतलब ये वाला फोर्स इस रेट से वर्क कर रहा है इसमें मतलब इस रेट से ये फोर्स इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है याद रखना जो भी फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और जो फोर्स नेगेटिव वर्क करता है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है ठीक है ना तो इस टू के जी ब्लॉक को पे दस के जी दस न्यूटन का फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो ये इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, है वर्क इज़ ए मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी हीट भी होता है वो हम लोग में पढ़ेंगे ठीक है वैसे फाइव न्यूटन का जो फोर्स है वो नेगेटिव पावर होगा तो पावर डिलीवर्ड बाई फाइव न्यूटन फोर्स अगर पूछा जाता तो टेन न्यूटन फोर्स का तो पावर इतना होता एंड फाइव न्यूटन फोर्स पूछाता है तो ये पावर ऑफ टेन न्यूटन फोर्स है वैसे पावर ऑफ फाइव न्यूटन फोर्स फाइव न्यूटन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टू पॉइंट फाइव थी इन टू अब फाइव न्यूटन तो पीछे लग रहा है अगर आप देखोगे ब्लॉक पे ध्यान से तो जिस पॉइंट पे फाइव न्यूटन लग रहा है उस पॉइंट का वेलोसिटी तो आगे है ना तो फाइव न्यूटन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कॉस वन एट्टी हो जाएगा ठीक है तो पच्चीस पची एक सौ पच्चीस तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाइव न्यूटन फोर्स एट टाइम टी है इतना मतलब बेसिकली पावर ऑफ फाइव न्यूटन अगर नेगेटिव है मतलब पाँच यूटन का फोर्स जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है ठीक है ऐसे एनर्जी स्ट्रैक कर रहा है जैसे बोलना बोलो कोई चीज़ अगर पॉजिटिव वर्क करता है तो एनर्जी वो ट्रांस दे रहा है सिस्टम को और कोई अगर सिस्टम पर नेगेटिव वर्क कर रहा है तो एनर्जी उससे ले रहा है ठीक है तो एवरेज पावर निकालने के लिए करोगे आप किसी टाइम इंटरवल के लिए आप जैसे इसी केस में एवरेज पावर में भी निकाल के दिखाता हूँ आपको चलो एक दूसरा केस लेके मैं एवरेज पावर दिखाता हूँ तो मान लो एम हाई एम ब्लॉक जो मास एम का ब्लॉक को फ्रॉम रेस्ट छोड़े तो अंडर ग्रेविटी वो एच हाइट गिरा है ठीक है तो इस दौरान एवरेज पावर ऑफ एम जी है ना एम जी का एवरेज पावर क्या है मतलब इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका ग्रविटेशन उसके लिए एम जी होगी उसका एवरेज पावर क्या है ठीक है इस डोरेशन ठीक तो है एवरेज पावर के लिए वर्क डन निकालो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन तो यहाँ से यहाँ के बीच में एम ने कितना वर्क किया है तो एम नीचे एक् कर रहा है डिसप्लेसमेंट नीचे है तो वर्क डन बाय एम जी एम जी एच डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा होगा एच हाइट गिरने में तो आपको एक कैनामेटिक्स का नॉलेज पता होगा आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब एच हाइट गिरने में फ्रॉम रेस्ट कितना टाइम लगता है रूट ओवर टू एच बाय जी तो एवरेज पावर यहाँ से यहाँ के बीच में याद रखना एवरेज पावर जब भी बोला जाएगा तो एक ड्यूरेशन दिया जाएगा ठीक है ना फाइनाइट विथ का एक ड्यूरेशन दिया जाएगा तो एवरेज पावर की वैल्यू इतना है अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालो इस मोमेंट पे तो इस मोमेंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो इस पॉइंट पे लग रहा है आप कहीं भी मान सकते हो मैटर नहीं करता एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास पे मानते हैं अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो और वैसे ही इस पॉइंट का वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एम अगर निकालो इस पॉइंट पर ठीक है तो एम जी इन वी हो जाएगा और वी का वैल्यू आपको पता है रूट ओवर टू जी एच होगा एच हाइट से फ्रॉम रेस्ट अगर गिरता है तो एच हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी क्या होती है रूटोवर टू जी एच ठीक है तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है ये एवरेज पावर है ऑफकोर्स दोनों का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहेगा ठीक है तो ये मत सोचना आपका एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू सेम आएगा ठीक है वो किसी किसी केस में आ सकता है यूजली वो सेम नहीं रहेगा ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप कुछ भूल रहे हो ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना, करना, है, करना है। तो करो ना भाई क्यों नहीं कर रहे